इतने बड़े बड़े पहाड़ और इस रास्ते से होते हुए हम लोग अब बढ़ते हुए नरसिंहपुर की तरफ। तो गाइस एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यार गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लगभग भाई डेढ़ हफ्ते के तकरीबन से मैं यार हूँ, मैं भाई गाडरवारा खींची के अंदर आने वाले इस पहाड़ के ऊपर बड़ा गांव में, और ये भाई हमारे साथ लगभग डेढ़ हफ्ते से साथ में है। तो हम इधर जनमन का सर्वे करने आए थे, तो अब मैं पहुंच रहा हूं नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि के जो देवी की माता की प्रतिमाओं के ब्लॉक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो इसी कारण से नहीं आ रहे थे। तो आपको बता दूं, तो अभी हमारे पास में है एक बहुत ही प्यारी और सुंदर जगह, कौन सी, रानी दहार। तो बहुत नाम सुना है मैंने, तो भाई वहाँ पर हमको लेकर चल रहा है। अभी तो हमको निकल कर अभी जाना है गुटौरिया, वहाँ पर खड़ी हुई अपनी बाइक लगभग डेढ़ हफ्ते से, देखते हैं कैसा क्या हाल है भाई, और फिर कराते हैं आपको दर्शन रानी दहार के। तो इस तरीके का जंगल है, और इस जंगल में भाई हमको घुमा रहा है लगभग डेढ़ हफ्ते से अपनी गाड़ी पर। हमारी बाइक तो नीचे ही खड़ी हुई है, भाई की बाइक से हम घूम रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो में अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कुछ ऐसे ही नज़ारे जो कि मैंने भाई काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए मैं आपको जंगल वगैरह नहीं दिखा पाया, लेकिन एक प्यारी सी जगह ज़रूर दिखा के जाऊँगा आपको। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको वो पहाड़ जहाँ से हम नीचे उतर के आए, और लगभग डेढ़ हफ्ते से हम वहाँ पर थे। ये देख सकते हो, ये है भाई, वहाँ पर ऊपर थे हम और ये पूरा पहाड़ उतर के नीचे आए। ये रास्ता देख सकते हो, लगभग डेढ़ हफ्ते से मैं ऊपर था, तो अब नीचे उतर आए हैं हम। क्या ही भाई नज़ारा हो रखा है, बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर रुक कर एकदम मन लीन हो गया, और अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो अभी गाड़ी उठाकर चल दिए हम रानी दहार की तरफ। इस तरफ पहाड़ दिख रहा है, एक तरफ पहाड़ है और इस तरफ ये रोड है भाई। अभी गाड़ी निकाल कर अपनी चल दिए हम रानी दहार की तरफ गुटौरिया से। थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं रानी दहार, और फिर से आ चुके हैं हम जंगल के पास में। तो देख सकते हो मेरे सामने फिर से पहाड़ी स्टार्ट हो गई, देख सकते हो भाई जंगल झाड़ी एरिया फिर से आ गया भाई। इतनी प्यारी जगह है, देख सकते हो एकदम बेहतरीन। अभी तो और ओपन वाला माहौल आने वाला है, ये देख सकते हो भाई पहाड़। एक हाथ से भाई बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं रानी दहार में, और भाई इतनी प्यारी जगह, काम करने के बाद इतनी प्यारी जगह अगर देखने को मिल जाए। वैसे तो मैं लगभग 12 से 13 दिन से बहुत ही प्यारी प्यारी जगह देख रहा हूँ इन जंगलों में। आदिवासी भाई लोगों के बीच में रहा हूँ लगभग एक से डेढ़ हफ्ता हो गया, और ये है भाई रानी दहार, देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, बहुत सारी। और यहाँ पर मैंने सुना एक टाइम इतनी बड़ी मछली थी कि जो कि सोने की नथ पहने हुए थी वो मछली। तो कुछ समय पहले किसी ने यहाँ पर जो कि कीटनाशक दवाई डाल दी, तो सारी मछलियाँ मर गई थी, जो कि फिर से पाली जा रही हैं। और बहुत सारी मछलियाँ अभी हमारा मित्र यहाँ पर कुछ टॉफी वगैरह पड़ी थी जो कि बैग में, वो खिला रहा भाई इन मछलियों को। देख सकते हो कितनी प्यारी जगह। और मैंने सुना है कि यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी गुफा है भाई,
तो ये है भाई रानी दहार, बहुत ही प्यारी जगह है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर मस्त अपना जो कि क्वालिटी टाइम या बहुत ही अच्छा टाइम मैं बता सकता हूँ अपने परिवार के साथ बिता सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है, ऊपर मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की जगह हैं, तो वो भी दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तक आप इस जगह को एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक में। तो दोस्तों ये है मंदिर, मेरे पीछे देख सकते हो आप, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यहाँ पर विराजमान है। अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का समूह है लेकिन अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ये मंदिर बाहर है, तो थोड़ी सी वीडियो मैं बना लेता हूँ, तो आप भी दर्शन कीजिए। और इस तरफ है, ये देख सकते हो दोस्तों। लगभग 1 से 2 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद प्रकृति के बीच में और बिल्कुल भाई पॉजिटिव वाली वाइब्स में बिताने के बाद अब निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई चला जाएगा ऊपर पहाड़ पर बड़ा गांव और हम निकल जाएंगे नरसिंहपुर और मिलेंगे आपको अगले एक और नए ब्लॉग में माता रानी की प्रतिमाओं के साथ। अब तक के लिए आप भी इन प्यारी प्यारी जगहों में घूमने का एक बार मन ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर रामायण पाठ चल रहा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। भाई।